Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आग का इतना खौफनाक मंजर शायद ही किसी ने देखा हो। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ज्वालामुखी से शोरों की बौछार हो रही है। तीन दुकानों में दहकी आग इतनी भयंकर थी कि कुछ पलों में ही सब कुछ स्वाहा हो गया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 709 बी पर बागपत के बड़ौत में एक चाट की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में यह आग लगी थी, जो देखते ही देखते तीन दुकानों को राख कर गई। गाड़ी के स्पेयर पार्ट, ऑटोमोबाइल, फलों की दुकान में लगी इस आग के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया और आसपास की सभी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई और लोगों में आग को देखकर अफरा तफरी मच गई। हमारी रिपोर्टर अंजू चौधरी ने बताया कि कुछ कदम की दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी था, जिसके संचालकों ने भी तुरंत गाड़ियों में पेट्रोल डालना बंद कर दिया। सूचना मिलने के आधे घंटे बाद दमकर्मी पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों दुकानों में रखा सभी सामान राख में तब्दील हो चुका था। आग से एक दुकान का मालिक भी झुलसा है, जिसे जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। दुकानों को राख बनते देख और अपना लाखों का नुकसान होते देख दुकानों के मालिक रोते बिलखते नजर आए। सर, सिलेंडर में आग लगी, सिलेंडर साहब फैल गई। अच्छा, कितनी दुकान में आग लगी? आग लगी तीन दुकानों में। किसी की दुकान में लगभग कितना नुकसान हुआ? मेरा ये फलों का 4 लाख का नुकसान है। मेरा जो भी सामान था अंदर दबालो सब हो गया। और दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी? और ये माई बॉस की कंपनी की दुकान थी, जो बॉस का सामान था सब फूक गया। बाहर फूके जी तो दो बाइक थी यहाँ पे दुकान वालों की, दोनों बाइक में आग लग गई। गाड़ी में आग बुझाई है जी? बिजली से लगी थी? बिजली से गाड़ी ने गाड़ी आई एक ही गाड़ी। अभी आधे घंटे पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि एक चाट के ठेले पर रखा हुआ सिलेंडर में आग लग जाने के कारण उसमें विस्फोट हो गया और आसपास में तीन दुकानें थी जिनमें जो है सामानों का नुकसान हुआ है। एक ऑटोमोबाइल की दुकान थी, एक फल और सब्जी की दुकान थी, एक फ्रूट चाट की दुकान थी, तो उसमें आग लग गई। सूचना मिलते ही तत्काल जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर आ गई हैं। आग पर कंट्रोल पा लिया गया है, किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं है। जो भी सामानों की क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है। और कितनी देर में आग पर काबू पाया, क्या कारण था? पूरी नहीं, तत्काल ही जैसे सूचना मिली तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड का स्टेशन भी यहाँ से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तत्काल जो है वो यहाँ मौके पर आ गया और आग पर फिलहाल जो है काबू पा लिया गया है। अब पूरी जैसे ही आग खत्म हो जाएगी, हम लोग जो है जो भी क्षति हुई है उसका जो है नियमानुसार आकलन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।